पांच बजे के सिंपल समाचार में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, और इसलिए कर रहे हैं कि जो अगले हफ्ते से जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है उसमें सरकार के खिलाफ जो है विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी से नाराज सहयोगियों की संख्या बढ़ रही है और इससे विपक्षी दलों के हौसले जो हैं बुलंद होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि बजट सत्र के बाद अब संसद के मानसून सत्र के दौरान भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात चल रही है। कुछ दल कोशिश कर रहे हैं, कुछ दल कोशिशों का समर्थन कर रहे हैं। कई विपक्षी दल कह रहे हैं कि अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर आम सहमति बनती है तो वो भी इसका समर्थन करेंगे। शरद पवार की एनसीपी और वामपंथी दल इनमें से एक है। आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के विशेष का राज्य का दर्जा मांग रही है। उसके लिए उसने हर तरह से सरकार पे दबाव बनाया हुआ है। अब टीडीपी जो है अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रही है। चंद्रबाबू नायडू ने अभी अब से थोड़ी देर पहले एक मीटिंग की है जिसके लिए कि पार्टी की अहम बैठक भी बुलाई गई है। और क्या है चंद्रबाबू नायडू का प्लान, उनके लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी हिमांशु, और वो समझा रहे हैं कि आखिर पूरी राजनीति क्या है इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे। बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा और मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद अब एक बार फिर टीडीपी के नेता मानसून सत्र में भी मोदी सरकार को घेरने की नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में टीडीपी के सभी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है जिसमें मानसून सत्र के दौरान टीडीपी की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक के एजेंडे में मानसून सत्र में भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का एजेंडा शामिल है। टीडीपी के नेताओं का आरोप है कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के दौरान मोदी सरकार ने जो बड़े वादे किए थे वो वादे पिछले चार साल में मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए, और इसलिए बजट सत्र के बाद अब मानसून सत्र में भी टीडीपी के सांसद इस मसले पर दूसरे विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और सरकार को मालूम है और खासकर बीजेपी को मालूम है कि विश्वास का संकट किस तरह जो है उनके सहयोगी दलों में घिर रहा है। यही वजह है कि उन्होंने भी अपनी रणनीति तैयार की। आगे हम आपको दिखाएंगे कि वह रणनीति क्या है। फिलहाल एनसीपी के नेता तारिक अनवर भी कह रहे हैं कि आम राय बनती है तो एनसीपी भी इस अविश्वास प्रस्ताव पर साथ देगी। पिछले सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था तो विपक्ष के साथ एनसीपी भी खड़ी थी, और आगे भी अगर विपक्ष में ये कंसेंसस बनेगा कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो मेरा ख्याल है कि एनसीपी भी उसका समर्थन करेगी, साथ देगी। फिर भी हमारे पार्टी का ये समझदारी है जो अगर सब मिलकर करते हैं तो डेफिनेटली विल बी जैसे लास्ट टाइम था जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर विपक्षी दलों में ये सहमति बनती है, मेजर अपोजिशन पार्टी अगर तो हु हैज गॉट बिग नंबर्स दे कम राउंड, तभी जाके मतलब रहता ना। हाँ। बिकॉज यू रिक्वायर ए डेफिनेट नंबर, नो कॉन्फिडेंस उठाने। और विश्वास का यही संकट है, यही वजह है कि आज का दिन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आज जो है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पटना पहुंचे हैं, उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। और आपको बता दूं कि ये उनकी पहली मुलाकात है जब से बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है। उनके साथ उन्होंने नीतीश कुमार के साथ उनका ब्रेकफास्ट हुआ, डिनर भी होने वाला है। तो बीजेपी अध्यक्ष को भी लगता है कि अब समय आ गया है कि सहयोगियों को ज़्यादा जो है उनको दूर ना किया जाए, क्योंकि एक जो है संकट के बादल कुछ दिखाई दे रहे थे और कुछ समस्याएं हैं। हम आपको अब बताएंगे कि वो समस्या क्या है बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन सहयोगी दलों की जो कि बीजेपी से अलग हुए हैं। और सबसे पहले जैसा कि हमने कहा, टीडीपी जो है और वो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो है सोच रही है, आज मीटिंग कर रही है। तो सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले टीडीपी अलग हुई है इस एनडीए गठबंधन से, ये कहते हुए कि इस सरकार ने जो है अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है कि जो उन्होंने वादा किया था। और उसके बाद जो है महबूबा मुफ्ती भी अलग हुई हैं, उनका भी यही कहना है कि वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और
टीडीपी ने कहा कि उनको जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना था वो नहीं दिया गया, जिसकी मांग की थी, क्योंकि उनको उनको लगता है कि तेलंगाना के बाद जो है आंध्र प्रदेश को काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो उनको नहीं मिला इसलिए वो अलग हो गए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि बिहार में संकट क्या है। इसी संकट की वजह से अमित शाह आज बिहार में हैं और नीतीश कुमार के साथ दो दो मीटिंग कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की चर्चा हो सकती है। आखिर ये खटपट है क्या? अब आप देखिए बिहार में 40 सीटें हैं और उन 40 सीटों में जो है बीजेपी के पास 22 सांसद है, ये काफ़ी बड़ी संख्या है, और जेडीयू के पास केवल 2 सांसद हैं। तो अब आप सोच लीजिए 2 सांसद की पार्टी और 22 सांसद की पार्टी के बीच आखिर गठबंधन होगा कैसे? क्या बीजेपी अपनी सीट छोड़ेगी? जेडीयू जो है 15 सीट लड़ना चाहती है, जेडीयू को लगता है कि ये सम्मानजनक स्कोर होगा। यदि ये 15 सीटें जेडीयू लड़ती है तो बीजेपी को अपने सांसदों का टिकट काटना पड़ सकता है। तो अब कितने सांसदों का टिकट कटेगा, क्या फार्मूला होगा? और ये जो है ये बंटवारा जो है वो 30 सीट के अंदर ही होना, भले 40 सीट हो बीजेपी की, लेकिन 10 सीटें जो है सहयोगी दल लड़ते हैं, पासवान लड़ते हैं, कुशवाहा साहब लड़ते हैं, पासवान के 6 एमपी हैं, कुशवाहा साहब के 3 एमपी हैं, तो ये भी चाहेंगे कि उनकी भी संख्या बढ़े। अब गठबंधन जो है यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। नाराजगी की वजह क्या है जिसकी वजह से अमित शाह जो है वो बिहार पहुँचे और एक तरह से बातें की है कि क्योंकि ये 40 सीटें जो है काफ़ी अहम होंगी अगले 2019 के चुनाव में। नाराजगी वही है जो नाराजगी जो है जो आप चंद्रबाबू नायडू की थी। प्रधानमंत्री ने एक लोकसभा के रैली के दौरान कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, एक विशेष पैकेज की बात की थी प्रधानमंत्री ने, करोड़ों लाखों करोड़ की बोली एक तरह से उन्होंने उस मीटिंग में कही थी, और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है जेडीयू को, यहाँ तक कि जो बाढ़ के लिए जो राहत के लिए जितना पैसा नीतीश कुमार ने मांगा था वो भी नहीं दिया इस सरकार ने। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए एक लॉस ऑफ फेस है, मतलब कि आप बीजेपी के साथ गए भी, बीजेपी ने आपको कुछ दिया भी नहीं है, और यही वजह है कि जो अब जो अमित शाह वहाँ पटना पहुँचे हैं। अब इस स्थिति को देखते हुए जो सहयोगी दल हैं वो भी जो हैं वो अब सौदेबाजी पर उतर आए हैं। जैसा कि हमने कहा कि पासवान कुशवाहा चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा सीटें मिले, और पासवान के पास अभी 6 सांसद हैं, कुशवाहा के पास 3 सांसद हैं, और ये दोनों मिला के करीब 10 सीटों पर लड़ते हैं, लेकिन ये भी चाहेंगे कि इनके भी सांसदों की संख्या बढ़े। ऐसे में कैसे ये एनडीए जो है आपस में सीट बांटेगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा, खासकर जहां पर बीजेपी के 22 सांसद हैं, 2 सांसद जेडीयू के हैं, पासवान के 6 सांसद हैं और उपेंद्र कुशवाहा के 3 सांसद हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आने वाले दिनों में इस पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत होगी कि आखिर बिहार में सीटों का बंटवारा कैसे होता है। हम फिर लौटते हैं, इसी पे चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। तो सिंपल समाचार में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या बीजेपी के लिए उसके सहयोगी सिरदर्द बनते जा रहे हैं, और ये हम वो चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इस मानसून सत्र में तेलुगु देशम जो कि बीजेपी की पहले एक सहयोगी दल थी और बीजेपी से नाराज होकर अलग हो गई, ये कहते हुए कि अलग विशेष राज्य का दर्जा जो प्रॉमिस किया था बीजेपी ने वो टीडीपी को आंध्र प्रदेश को नहीं दिया। तो अब टीडीपी का कहना है कि वो जो है सरकार के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन और अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है, जिसका कि कई दल जो है समर्थन करने वाले, हमने एनसीपी को सुना, हमने वामपंथी दलों को सुना कि वो सब भी इसका समर्थन करेंगे। तो आखिर इसकी नौबत क्यों आती जा रही है, क्यों जो है सरदर्द बनते जा रहे हैं सरकार के जो सहयोगी दल हैं? आपको बता दें शिवसेना ने पहले ही कहा है कि वो अगला लोकसभा चुनाव जो है अलग लड़ेगी, बीजेपी के साथ नहीं लड़ेगी। और अभी हाल के दिनों में ही आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो
टीडीपी और पीडीपी का जो बीजेपी और पीडीपी का जो गठबंधन था वो टूट गया, सरकार यहाँ पे दोनों ने मिल के बनाया था, पीडीपी से बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, और अब ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि जो टीडीपी के बचे हुए विधायक हैं यानी कई विधायक असंतुष्ट बताए जा रहे हैं उसके साथ मिलकर के जो है बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी, तो ये भी ये सब भी यहाँ पर जो है कोशिशें की जा रही हैं कि वहाँ पर एक वैकल्पिक सरकार किस तरह से बनाई जाए। तो जैसा कि हमने जम्मू कश्मीर की बात कर ली, मैंने महाराष्ट्र के बारे में आपको बताया कि वहाँ पर शिवसेना जो है बीजेपी से अलग लड़ने वाली है। झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में जो बिहार की जो बीजेपी की सहयोगी दल थी, आजसू कहते हैं उसको, जो है ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन इसका पूरा नाम है, वो जो है अब अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं। और आपको बता दूं कि दो जो उपचुनाव हैं उसके नतीजे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। गोमियो का उपचुनाव जो है जेएमएम जीता वहाँ पे, और बीजेपी जिसकी कि वहाँ पे सरकार है, राज्य सरकार है वहाँ पे, वहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री है वहाँ पे, उस इस उपचुनाव में बीजेपी जो है तीसरे नंबर पे रही है। उसी तरह सिल्ली एक जगह है, वहाँ पे भी उपचुनाव हुए, यहाँ भी जेएमएम जीती है, और लेकिन यहाँ पे भी जो है सेकेंड नंबर की पार्टी जो थी वो आजसू थी, यानी ऑल इंडिया अब ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन थी। तो अब आजसू ने कह दिया है कि वो जो है अकेले चुनाव लड़ने वाली है। तो ये तो झारखंड की बात हम करते हैं जहाँ पर कि अभी उनकी सरकार चल रही है, ये स्थिति है वहाँ उपचुनाव में, और आप कह सकते हैं जेएमएम जो है काफ़ी उभर कर सामने आई है। अब बगल के राज्य चलते हैं, झारखंड से हम पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल में काफ़ी मजबूत स्थिति में है ममता बनर्जी, लेकिन बीजेपी जो है वहाँ पर अपना रास्ता तलाश कर रही है। कहा जा रहा है कि इस लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी वहाँ अच्छा करेगी, लेकिन वहाँ पर उसकी जो एकमात्र जो सहयोगी दल थी जो कि दार्जिलिंग की सीट पर बीजेपी को मदद करती थी, गोरखा जनमुक्ति आंदोलन जो है वो एनडीए से अलग हो गई है, और इसी की वजह से जो है दार्जिलिंग की सीट बीजेपी जीतती रही है। 2009 के चुनाव हो या 2014 के चुनाव हो, यहाँ पर जो ये गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जो था वो एनडीए के साथ रहता था। यूपी की बात कर लेते हैं लगे हाथ, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में बिहार के उत्तर प्रदेश में एनडीए में भी अब गठबंधन में दरारें दिखनी शुरू हो गई हैं। ये ओम प्रकाश राजभर हैं जो कि काफ़ी नाराज बताए जाते हैं, और ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी अब मौका देख रहे हैं कि यदि दूसरा गठबंधन बनता है तो वो उधर चले जाए। और ये दिलचस्प स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी क्यों है, कहे क्योंकि कुछ जो उपचुनाव हुए, खालकर फूलपुर का, गोरखपुर का चुनाव हुआ, कैराना का चुनाव हुआ, कुछ विधानसभा के चुनाव हुआ, वो बीजेपी वो उपचुनाव हारी है, और उस उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री पर काफ़ी दबाव जो है बढ़ गया है। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को जो केंद्र की जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने सलाह दी है कि आप जो हैं अपना मंत्रिमंडल थोड़ा छोटा कीजिए और थोड़े काम पे ध्यान दीजिए, परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश में एक और गठबंधन तैयार हो रहा है, वो गठबंधन है बसपा का और सपा का। यदि इनके वोट बैंक आप जोड़ लें, जो कि इन्होंने करिश्मा कर दिखाया, फूलपुर में करके दिखाया, गोरखपुर में करके दिखाया, कैराना में इन्होंने जो है अजीत सिंह के पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दिया, और ये दिखा दिया कि यदि बसपा सपा अजीत सिंह कांग्रेस ये सारे एक गठबंधन बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी तक जो बीजेपी को सबसे ज़्यादा सांसद दिया है 70 सांसद, वहाँ पे बीजेपी को काफ़ी मुश्किलें हो सकती है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यदि बीजेपी को फिर से सत्ता में आना है तो उत्तर प्रदेश में अच्छा करना होगा, और यदि वो अभी उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं करते हैं, बिहार में यदि अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि बिहार में भी जो एक दूसरा गठबंधन है आरजेडी का, जीतन राम मांझी का, वो जो है तैयार हो रहा है कांग्रेस का, तो वो भी एक अच्छी स्थिति फाइट देने की स्थिति में है। तो ये एक रोड मैप हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि 2019 के उपचुनाव से पहले सहयोगी कैसे सिरदर्द बनते जा रहे हैं बीजेपी के।